साहस सरोकार। लखनऊ पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राजभवन पहुंचे सीएम योगी, प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। सपा ने दो नेताओं को निकाला पार्टी से बाहर, स्वामी प्रसाद के बयान का किया था विरोध। चाचा भतीजे में बड़ी नजदीकियां, विधानसभा में अखिलेश के साथ बैठेंगे शिवपाल। चित्रकूट में अब्बास अंसारी की पत्नी और ड्राइवर की बड़ी मुसीबतें, कोर्ट ने दी दोनों की पुलिस रिमांड की मंजूरी। और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। समाजवादी पार्टी ने अपनी दो महिला नेताओं को, ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को, निष्कासित कर दिया है। सपा ने यह घोषणा पार्टी के अधिकारी ट्विटर हैंडल से की। आपको बता दें कि दोनों नेताओं ने लगातार सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, जिसके बाद पार्टी से निकाले जाने पर दोनों ही महिला नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रोली तिवारी सपा प्रवक्ता थी, जबकि डॉक्टर ऋचा सिंह इलाहाबाद पश्चिमी से 2022 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला दो महिला नेताओं को भारी पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। ऋचा सिंह और रोली तिवारी को समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। सपा ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ेंगे। विवेक, देखा जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी ने दो महिलाओं को निष्कासित कर दिया है अपनी पार्टी से। इसके पीछे वजह बताई है कि जिस तरीके से टीवी डिबेट में वो पार्टी गाइडलाइन के विपरीत अपने विचार रख रही थी, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है एक तरह से विरोध करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद आलाकमान इससे नाराज था और ये बड़ी कार्रवाई जो है रोली तिवारी और ऋचा सिंह पर की गई। नंदनी जी, देखा जाए जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी में ही खुद दो गुट बन चुके थे, एक जो समाज स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके खिलाफ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक्शन लिया है, क्या आगे भी इस तरीके से एक्शन लेती रहेगी? देखिए, मानस विवाद के बाद लगातार कई विरोधी सुर भी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी पार्टी में उभर के सामने आए थे। अगर बात किया जाए तो रायबरेली के जो विधायक है उन्होंने भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बातों का जो है समर्थन न करते हुए विरोध किया था, और शिवपाल यादव ने भी ये कहते हुए पल्ला झाड़ा था कि ये उनकी निजी राय है, समाजवादी पार्टी उनकी बातों का समर्थन नहीं करती है। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की चुप्पी इस मामले में यह बयां करती नजर आ रही थी किस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का बैकहेंड सपोर्ट है। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बताया, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। और जिस तरीके से ऋचा सिंह और रोली तिवारी ने बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ और पार्टी गाइडलाइन के विपरीत जाके डिबेट में बातें कही है, तो आलाकमान नाराज था इनसे और इस प्रकार की बातें अनर्गल बातें न कहने की बात लगातार अपने प्रवक्ताओं कार्यकर्ताओं को कह रहा था, और आलाकमान की नाराजगी का जो है इसके बाद उनको भुगतना पड़ा है और दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। जिसके बाद ऋचा सिंह का आक्रोश भी सामने आया, उन्होंने कहा है कि बिना कारण बताए नोटिस के जो है पार्टी से निष्कासित किया गया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो महिला विरोधी है, और अखिलेश यादव को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि बिना किसी कारण बताओ नोटिस के उन्होंने ये चीजें जो है वो जाहिर की है, बिना कारण बताओ नोटिस के पार्टी से निष्कासित किया है। काफी आक्रोशित लग रही थी इस प्रेस में देखा जाए तो ऋचा सिंह ने जिस तरीके से कहा कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है, क्या लगता है क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है समाजवादी पार्टी में? देखिए,
अलग अलग विरोध के सुर जो है पार्टी मानस विवाद के बाद उठने शुरू हो गए थे। कई विधायक से लेकर नेता भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों से पल्ला झाड़ते हुए उनका विरोध भी कर रहे थे। अभी दो महिला कार्यकर्ताओं पर बड़ी कार्रवाई समाजवादी पार्टी ने की थी और इसके पहले से भी उनके विरोधी सुर लग रहे सुर जो है वो उठ रहे थे और खुद जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि दोनों की कार्यशैली से अखिलेश यादव नाखुश नजर आ रहे थे और इसके बाद इस कार्रवाई के बाद निश्चित तौर पर यह साफ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हाथ है, वो उनके साथ बने हुए इस बात को लेकर और तमाम तरह की चीजें सामने आ रही है और इससे देखा जा सकता है किस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य को पूरी अखिलेश यादव की पूरी टीम का जो है वो सपोर्ट मिला हुआ है। कहीं ना कहीं डैमेज भी करते दिख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं और कार्यकर्ताओं को धार्मिक मुद्दों पर बोलने के लिए एहतियात बरतने का निर्देश भी दे दिया है। नंदनी, देखा जाए विवेक, तो जिस तरीके से आपने कहा कि कर्ता धर्ता अखिलेश यादव, वहीं विपक्ष का लगातार ये भी कहना है कि कर्ता धर्ता है जो रामचरितमानस का विवाद उठा है उसके डायरेक्टर अखिलेश यादव ही है, तो क्या लगता है कितना फायदा पहुंचाएगी या कितना नुकसान देगा ये मुद्दा? देखिए फायदे नुकसान की अगर बात की जाए तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मानस विवाद के बाद अभी तक तो थोड़ा थोड़ा सा डैमेज देखने को समाजवादी पार्टी को मिला है, क्योंकि लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस विवाद में नए नए चीजों की एंट्री भी हो रही है, तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं से नुकसान होता भी दिखाई दे सकता है। खैर कितना नुकसान होगा या कितना फायदा होगा यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी एक बड़ा एक्शन लेते हुए दो महिला कार्यकर्ताओं को निष्कासित कर दिया है, जिससे विरोध के सुर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उनकी पार्टी से उठना बंद हो जाए। जी, तो जिस तरीके से देखा गया कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बोला गया उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, तो क्या लगता है कि आगे भी निष्कासित वाला ये चर्चा चलता रहेगा? देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है दो महिला कार्यकर्ताओं को निकाल के, तेज तर्रार महिला कार्यकर्ताएं थी और ये जो कार्रवाई है वो उन लोगों के लिए सबक होगी जो पार्टी गाइडलाइन से विपरीत अपने विचार रखेगा किसी भी टीवी डिबेट में, किसी भी मीडिया कॉन्फ्रेंस में। तो अब जो चीजें हैं वो समाजवादी पार्टी ने साफ कर दी है कि जो पार्टी गाइडलाइन होगी उसी के हिसाब से आपको चलना है, उसी के अनुरूप आपको चलना है, अगर आप उसके इतर चलते हैं तो आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी, देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ये एक्शन लिया है, क्या उससे लगता है स्वर्ण वर्ग जो समाज है वो नाराज होगा? जी बिल्कुल, जिन दो महिला कार्यकर्ताओं को निकाला गया है वो स्वर्ण समाज से ताल्लुक रखती हैं और अच्छा खासा उनका जो प्रभाव भी है अपने समाज पर, इस प्रकार की चीजें जो है समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा आहत जरूर करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी स्वर्ण समाज को ना देखते हुए जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है उनको साधने का प्रयास करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी और पिछड़े वर्ग की बात करती है, तो लड़ाई जो है अब 80-20 की होती भी दिखाई दे रही है। लगातार समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़ों की राजनीति करते हुए आने वाले चुनाव में लड़ना चाहती है और उनको जो है एक साथ लेके उनकी वोट बैंक की राजनीति पर उनके वोट को आगे करके, ताकि वोट परसेंटेज को आगे बढ़ाया जा सके, दलित और पिछड़ों को लोगों की बात करते आगे करके बढ़ाया जा सके, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के पास एक अच्छा जनाधार है पिछड़े वर्ग का और दलित वर्ग का, इसलिए उनको साथ लेके चल रही है और पार्टी गाइडलाइन से इतर अपने विचार रखने वालों के ऊपर बड़ी कार्रवाई भी कर रही है। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। बता दें कि सपा के ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई है कि ऋचा सिंह और रोली तिवारी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और इसी बीच ऋचा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। आइए आपको सुनाते हैं। ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली है। मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरित मानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरित मानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरित मानस के
सम्मान में खड़ी थी, खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी। समाजवादी पार्टी से आपने दो बार चुनाव भी लड़ा और अखिलेश यादव खुद आपको मानते हैं, उसके बावजूद भी आपने रामचरितमानस के समर्थन में ट्वीट भी किया और काफी बयान भी दिया, क्या लगता है इसी वजह से आपको निकाला गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे दलों से आए हैं लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, और जिस तरीके से वो सामाजिक द्वेष फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये उसका परिणाम है। और हम लोग समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी यह कहा करते थे कि समाजवाद का तात्पर्य है कि दलित, वंचित, शोषित, आधी आबादी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, और आज अगर लोहिया जी होते तो समाजवादी पार्टी शायद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देती। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया जी के संघर्षों से प्रेरित होती है, जयप्रकाश नारायण के जो है संघर्षों से प्रेरित होती है, और हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवाद के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे, और लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। कानपुर में थाना सिविल लाइन क्षेत्र के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और कानपुर में हुई घटना का विरोध करते हुए महामहिम राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन सौंपा। वहीं इस ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि इस घटना से जो भी अधिकारी दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आरोपी अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो कांग्रेसी उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, आज हम लोग ज्ञापन देने यहाँ आए हैं। जो कानपुर में जो दुर्दांत घटना घटित हुई है, जिस तरीके से माँ बेटों को, दलित परिवार के माँ बेटों को, माँ बेटी को जलाया गया, ये एक बहुत ही एक सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाती है जो बुलडोज़र की राजनीति करती है, बुलडोज़र के नाम पे लोकतंत्र को ख़त्म करना चाह रही है और शासन कानून का शासन देखने को नहीं मिल रहा है। और ये इतना बड़ी घटना घटित हुई है कि मेरे ख्याल से इसका कहीं दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। दुख का विषय है कि सत्ता रूल पार्टी अपने अधिकारियों के द्वारा गरीबों पे, जाति विशेष पर इस तरह से हावी है कि उन लोगों के मकानों को, उन लोगों की दुकानों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी कानूनी औपचारिकताएं पूरी किए हुए तोड़ते हैं। ये अलीगढ़ की नगर पंचायत इकलास के अधिकारियों की मिली भगत से भूमाफियाओं ने अरबों रुपए की सरकारी पोखरों की जमीन पर मकान और दुकान बनाकर अवैध कब्जा बनाने का मामला सामने आया है, जिसकी 50 से ज्यादा शिकायत तहसील और जिला स्तर से लेकर मुख्यमंत्री तक कर चुका है, लेकिन आज तक इस पर कोई संज्ञान लेना अधिकारियों ने लाजमी नहीं समझा, जिसमें वर्तमान में इकलास नगर पंचायत में कार्यरत 6 कर्मचारियों के भी मकान शामिल हैं। मेरा नाम दाऊद अहमद है और इगलास कस्बे का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा पोखर तालाबों पर शिकायत की गई थी प्रधानमंत्री आवास का गलत पैसा इस्तेमाल करने के लिए, और मैंने इस संबंध में उपजिलाधिकारी इगलास, तहसीलदार इगलास और डीएम महोदय को भी अवगत कराया था, और इस संबंध में मैंने एक PIL भी डाली थी, और तहसीलदार महोदय ने मेरी कार्रवाई के दौरान ये स्वयं स्वीकार किया था के पोखर तालाबों पर करीब 100 मकान बने हुए हैं और उनमें 8 आवास प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृत किए हैं। सोर्सेज से शिकायत प्राप्त हुई है कि कस्बा इगलास में पोखर है, उसमें अवैध निर्माण हो रहा है। फिलहाल इसमें जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। अभी तक क्या निर्देश मिले गए ऊपर से? अभी फिलहाल संज्ञान में आया है कि इस तरीके से शिकायत प्राप्त हुई है मुझे, अभी इसमें हम लोग जांच करा रहे हैं और विस्तृत जांच के बाद ही यह पता चल पाएगा जो भी इसमें दोषी होंगे उसके खिलाफ कार्रवाई अवश्य की जाएगी। औरैया में 3 मंजिला इमारत के दूसरे और तीसरे माले पर आग लग गई, जिसकी जानकारी सदर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं इमारत में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है।
राज की नाम क्या है? श्री बंधनाथ गुप्ता। किस मौलिक निवासी को? मौलिक टोला। क्या मामला हुआ, कैसे आग लगी आपके यहाँ? आग बिजली से लगी है। किस चीज की गोदाम थी, क्या सामान था उसमें? फूल झाड़ू रस्ती, फूल झाड़ू रस्ती। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा आपका? कितना नुकसान है आपका? 7 लाख रुपए का लगभग। घर में और कौन कौन था? घर में बच्चा, बहू, एक नातिन। सभी लोग सब कुशल बाहर रह गए? सब लोग तत्काली दो फायर टेंडर लेके और एक छोटी गाड़ी, क्योंकि बड़ा कंजस्टेड था, तो तीन गाड़ियों के साथ तुरंत आए। मौके पर आके आग बुझाना प्रारंभ किया। पानी खत्म हुआ तो कंटिन्यूसली पानी नगर पालिका से और फायर स्टेशन से भर भर के लाए। उसके बाद में आवश्यकता को देखते हुए एक और फायर टेंडर, कुल मिला के 3 बड़े फायर टेंडर, एक वाटर मिस्ट, हाई प्रेशर लगा के आग को पूर्ण रूप से बुझा दी गया। ये प्रदीप गुप्ता हैं जिनका घर है और मोहल्ला फूलवती मंदिर के पास ये है परिहार टोला। तो इसमें आग पूर्ण रूप से बुझ गई, कोई जनहानि नहीं है। बाकी अभी और वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अगर क्या नाम, क्या नाम भाई? आलोक गुप्ता। आलोक जी, ये आग लगी आपके यहाँ, कैसे लगी है? लगी है। किस चीज़ की गोदाम थी आपकी? ये झाड़ू निवास वगैरह। कितना सामान होगा? 7-8 लाख का। घर में कौन कौन था? हम थे, मेरी पत्नी थी, बच्चा था। क्या माले पे आग लगी हुई है? लगी है दूसरे और तीसरे पे। क्या क्या सामान जला हुआ है? झाड़ू और गृहस्थी का सामान, टीवी फ्रिज वगैरह। बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि बदमाशों ने दिनदहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया और ब्लेड से हमला कर युवक को घायल कर दिया, जिससे पीड़ित को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और चाकू मारने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पूरा मामला आपको बता दें, पुलिस चौकी के पीछे रोडवेज परिसर का है। अलीगढ़ में राजकीय औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी के दुकानदारों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर समय से पहले दुकानें बंद कराने का आरोप लगाया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी कुछ झूले की टूटने की खबरें प्रकाशित होने और फिटनेस जांच तक झूला बंद रखने की बात कह रहे हैं। प्रदर्शनी में नियमित समय पर दुकानें बंद होने का दावा भी कर रहे हैं। बनियालाल वासनी है। किस तरीके से आपको बंदा है, तुम्हारे यहाँ पे आ गए, सारे कैम घेर रखा है, क्या परेशानी हुई है? सब इन दुकानदारों ने इसलिए कैम घेर रखा है मेरा, क्योंकि हमेशा नुमाइश 3 बजे तक चलती थी, लेकिन इस बार नुमाइश को 12-12:30 बजे भी बंद करा दिया जा रहा है। इसलिए इन दुकानदारों ने घेराव किया कि साहब हम दुकान उखाड़ कर जा रहे हैं। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमको आज का समय दिया जाए। हम अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके इसको पूर्व समय के हिसाब से जब चलती थी नुमाइश 3 बजे तक, उसी तरह रिक्वेस्ट करके थे 3 बजे तक चलवाएंगे। अच्छा, एक चीज़ बताया कहने, तुम तो लंबे साल से हो, हम ही लंबे साल से देख रहे हैं, रात को नौटंकी सुबह 4-5 बजे तक चलता है। मेरा नाम नफीस अहमद है। मेरा परेशानी ये आ रही सामने जी, रात को 11-11:30 बजे कहते हैं कि भाई 11-11:30 बजे मेला बंद हो जाएगा, बंद करो दुकानें, लेकिन उसमें तो हमें नुकसान हो रहा है जी। 11:30-11:30 बजे दुकान बंद करने से हमें तो 2:30-3 बजे तक मेला चलता है, वही टाइम दुकानदारी का होता है, वही टाइम दुकानें बंद करा देते हैं, तो उसमें हमारा पूरा लॉस हो रहा है जी। और दिन में भी पब्लिक नहीं आ रही मेले में। पहले वो कहते हैं भाई बंद करो 11:30-12 बजे तक दुकानें बंद करो। कौन आता है बंद कराने? पुलिस वाले आते हैं बंद कराने के लिए। वो ये कहते हैं भाई 12 बजे तक का टाइम है तुम्हारा, 12 बजे तक बंद करो। पहले तो 2:30-3 बजे तक मैच चलती थी, 2:30-3 बजे। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उनका कहना है कि प्रशासन समय से पहले बंद करा रहा है, इसलिए कर क्या कहते हैं? देखिए, कल रात्रि भी नुमाइश में SP सिटी साहब और मेरे द्वारा भ्रमण किया गया और 12:30 से 1 बजे तक हम लोग भी भ्रमण कर रहे थे, तब भी दुकानें खुली हुई थी। और दुकानें और नुमाइश हम बंद कराना नहीं चाह रहे हैं, जैसे चलती रही है पूर्व चलती रहेगी। उनका कहना है ट्रेडर्स नीली पुराने समय से वो 3-4 बजे तक मिनिमम नुमाइश चलती थी, लेकिन इस बार 11:30-11 बजे ही बंद कराई जा रही है। उनके नहीं, नुमाइश तो कल रात भी 1 बजे तक चल रही थी और अब भी चलती रहेगी विधिवत जैसे चलती थी, और जबरदस्ती किसी को बंद नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से चलती थी वैसी व्यवस्था बनी। आज खान सर, किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी यही आ रही है कि सर, जिसने नुमाइश को हर वर्ष इसमें कोई बैन और रोक नहीं दिया जाता था, 2:30-3:00-4:00 बजे तक चलती थी। अब प्रशासन के कुछ लोग आने के बाद में ये कहते हैं कि इसको बंद करिए, बंद करिए। और एक तो
सही तरीके से ना करके इस तरीके से हड़का करके किया जाता है, तो उसमें थोड़ा सा दुकानदारों को तकलीफ इस बात की हो रही है, क्योंकि हम यहाँ जो बैठे हुए हैं आप लोगों की अनुमति से ही बैठे हुए हैं, कोई गैर अनुमति से तो बैठे नहीं है। और नुमाइश को जिस तरीके से चलना चाहता था हम यही चाहते हैं कि उसी तरीके से नुमाइश चलाई जाए। कितने बजे चलती थी और अब क्या स्थिति है? अब स्थिति यही है कि वो 11 के बाद में हम लोगों के साथ में कर्नल कर देते हैं। तो अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।